जिस साथ हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. फर्स्ट करें, हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि है 3x² अंडर रूट y प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स प्लस वाई. अब आप देखिए हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. अभी हमारे पास ये एक इसके बारे में हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे y की क्या वैल्यू होगी, x की क्या वैल्यू होगी. लेकिन जब हमें एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया जाता है, लेट्स से मैं बोला जाता है जी x इज इक्वल टू -4 और y इज इक्वल टू 9. यहाँ पे हमारे पास एक स्पेसिफिक नंबर, एक खास नंबर है. जब हमें बोला जाता है जी इन नंबर्स, यानी इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इस x जब -4 और y जब 9 हो, तो वो वैल्यू क्या होगी, वो जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो हर x और y की वैल्यूज के लिए मुख्तलिफ होगी. ठीक है, जो हर x और y की वैल्यू के लिए मुख्तलिफ होगी. तो हमने देखा कि हमारे पास जो गिवन वैल्यूज है x और y की, वो जब हम इसके अंदर सब्सटीट्यूट करते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा. ठीक है, आप देखिए ये हमारे पास जी 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है -4, -4 का स्क्वायर यानी एक्स की जगह -4, इस तरह वाई 9 है तो अंडर रूट y जो है y की जगह क्या जगह 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस 4 है, y कितना है 9. ठीक है, तो हमारे पास ये जो है इसको अब सॉल्व कर लेंगे. नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो 3 इंटू 16 इंटू अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, सॉरी अंडर रूट 9 क्या हो जाएगा, 9 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे. अगर हम 9 को सॉल्व करें इस तरह से, तो 9 को अगर आप यहाँ पे रफ वर्क में कर लें, ठीक है, यहाँ पे हम इसको रफ वर्क में कर लेते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, जो कि स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट होकर हमारे पास जस्ट क्या बच जाएगा 3. ठीक है, तो आपने देखा जी कि हमने इसको जो अंडर रूट 9 है उसको हम 3 लिख सकते हैं प्लस 6. अब यहाँ पे देखें ये सब आपस में मल्टीप्लाई, फर्स्ट ये मल्टीप्लाई होंगे फिर इसके अंदर 6 ऐड होगा. ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू, अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे करें तो डिवाइडेड बाय हमारे पास ये क्या आ जाएगा जी 5 इंटू 9 -4 कितना होगा 5. ठीक है, अब आप देखें 16 इंटू 3 48. ठीक है, 16 इंटू 3 48. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6, अगेन ये पहले मल्टीप्लाई होंगे उसके बाद 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25. अब अगर आप 48 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये 83 टाइम्स 24, 42 विल बी एडेड इन द नेक्स्ट प्रोडक्ट, 4 इंटू 3 टाइम्स 12 और प्लस 2 14, तो ये कितना आ जाएगा 144. तो ये हमारे पास आ गया जी 144 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 25. 144 प्लस 6 कितना हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 25. ठीक है, सॉरी 25 है, 150 डिवाइडेड बाय 25 विच इज इक्वल टू 6, विच इज इक्वल टू 6 बिकॉज 25 6 टाइम कितना होगा जी 150. तो आपने देखा जी किस तरह से हमने जो वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड आउट की है. तो ये हमारे पास जो 6 आई है, 6 इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 y इज इक्वल टू 9. इसी तरह अगर आप x और y की वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस करते जाए, वो वैल्यूज जहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो है डिफाइन होगी. ठीक है, यानी वो वैल्यू जहाँ पे इसका जो आंसर है वो 1 ओवर 0 ना आए, ठीक है, 0 बाय 0 ना आए, ठीक है, या नेगेटिव अंडर रूट ना आए, तो उन तमाम वैल्यूज के अलावा हम जो है कोई भी यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं. उन तमाम वैल्यूज के अलावा यहाँ पे हम एक्स और वाई की कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं. उसके लिए जब हम वाई की वैल्यू, उसके लिए जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारी कहलाएगी वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन.